नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा दमाल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं हूँ गांव बलम्बा के मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, जो बलम्बा का पहला स्कूल है, जो इतनी शानदार बिल्डिंग और इतने अच्छे सिस्टम को मैं यहाँ देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल के मुकाबले इस स्कूल की जो बिल्डिंग है बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है और यहाँ अध्यापक भी बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा कि वर्तमान स्थिति में पिछले कुछ समय से लगातार छात्रों की संख्या या छात्राओं की संख्या सरकारी स्कूलों में नीचे की तरफ जा रही थी, तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार के इन प्रयासों से और गुणवत्ता के सही तरीके के अच्छे पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड जो टीचर्स के होने से यहाँ पर छात्रों की संख्या बढ़ेगी और सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ेगा। आइए यहाँ के अध्यापकों से भी कुछ बातें करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? संजय दांगी। तो सर, ये जो मॉडल संस्कृति विद्यालय जो बनाया गया है, इसकी बिल्डिंग बड़ी जबरदस्त तैयार की हुई है सर, क्या इस इन प्रयासों से सरकार बच्चों का ध्यान खींचने में सक्षम रहेगी? देखिए, ये जो विद्यालय की बिल्डिंग तैयार की गई है, ये हमारे स्टाफ की मेहनत का नतीजा है। जब हम यहाँ ट्रांसफर हो गए 2016 में आए, तब इस बिल्डिंग के ऊपर वाल वॉशिंग भी नहीं थी। गांव के ही हमारे स्टेट अवार्डी मिस्टर विजेंद्र सिंह, उन्होंने प्रयास किया, गांव का सहयोग मिला, तो ये बिल्डिंग ऐसे तैयार हो पाई। अच्छा सर, क्या क्या सुविधाएं हैं जो मॉडल संस्कृति स्कूल के हिसाब से इसमें? हमारे स्कूल के अंदर, एक स्कूल के अंदर जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं फुली ऑक्यूपाइड है। बिजली के लिए सोलर सिस्टम है, लाइट कनेक्शन है, पीने के पानी के लिए आरो वाटर है, बैठने के लिए बेंचेस हैं, डिजिटल बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है और कूड़े के मैनेजमेंट का सिस्टम है। एक स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे विद्यालय के अंदर हैं। क्या प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में खड़े हो पाएंगे? सर, प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में खड़े होने के पर्सन से मैं आपसे सहमत हूँ, तो बहुत आगे उनसे। आप ये देखिए ना, बिना किसी भी संसाधन के और हमने सरकारी बिल्डिंग को यहाँ तक बनाया है, तो ये प्रयास देख लीजिए आप।
और हम तो खुले तौर पे कहते हैं ग्रामवासियों को, आजमा कर देखिए। जब हम यहाँ आए तब स्कूल की स्ट्रेंथ 101 थी, आज 150 के करीब है। तो प्राइवेट स्कूलों से ही बच्चे आए ना। तो यहाँ जो जैसे ग्रामीण इलाके में जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं, जो स्टूडेंट के माँ बाप हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो देखा देखी है। प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने का सबसे बड़ा कारण है देखा देखी। फलाने का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता तो मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में जाए। दूसरा क्या है कि सरकारी स्कूल का और गाँव का जो कम्युनिकेशन है ना, वो कम हो पाता है। दूसरा, एडमिशन की जो टाइमिंग है, प्राइवेट स्कूल तो जनवरी फरवरी में एडमिशन करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा जो रीज़न है सरकारी स्कूल की स्ट्रेंथ कम होने का, वो ये है कि प्राइवेट स्कूल नर्सरी में 4 साल के बच्चे का एडमिशन कर लेते हैं, और हमारे ऊपर ये है कि हम कम से कम 5 साल के बच्चे का एडमिशन करें। तो हमारे से तो 1 साल पहले ही बच्चा चला जाता है। चलो, और कुछ कोई खास बात? सर, और कुछ खास बात नहीं, अध्यापन का कार्य है, शिक्षण का कार्य है, मस्ती से करते हैं। आप देखो स्कूल का वातावरण पीसफुल है, बिल्कुल शांति है, सारी टीम योग्य है। तो जो एजुकेशन होगी वो सारी इंग्लिश मीडियम की होगी? मॉडल संस्कृति में। सर, अभी जो बच्चे इनरोल्ड हैं इनके लिए ऑप्शन होगा, अच्छा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। लेकिन न्यू कमर्स जो बच्चे आएंगे, नए बच्चे जो आएंगे, उनका जिनका एडमिशन होगा वो टोटल इंग्लिश मीडियम। धन्यवाद सर। क्योंकि ये बच्चे जो अभी हैं ये तीन साल तक, क्यों, फर्स्ट और सेकंड में तो मीडियम की ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि थर्ड क्लास से मीडियम की प्रॉब्लम आती है जहाँ EVS स्टार्ट हो जाती है। तो अदरवाइज तो फर्स्ट और सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले 3 साल के बाद फुली इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। चलो, धन्यवाद सर, थैंक यू।